कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। बट नवीन की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। और जब मैंने देखा आई तो मैंने देखा कि नवीन सो रहे हैं। मीन्स ऑफिस गए थे और आ गए, वो 10 बजे के ही आ गए थे वो। फिर मैं अभी उनको फ्रूट्स काट के दी, सो रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ उनके लिए चाय बनाने। चाय बनाती हूँ और चाय बना के उनको देती हूँ। अदरक वाली चाय बनाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इंजेक्शन भी लगवाने जाना है। तो उनके साथ ही जाती हूँ, अकेले मैं कभी जाती ही नहीं। तो जाके उनके लिए चाय बनाने, चाय बना के इतना, मतलब सोचो 2.5 किलो दूध बॉयल होके इतना बचा है, मतलब इतना ही बचा, मतलब आधा लीटर से भी बहुत कम बचा है। तो ये दूध पीऊँ पीएंगी। बोली मामा मीठी वाली दूध दे दो मेरे को, और कृषि ये कृषु को मैं रख दे रही हूँ। कृषु को फ्रिज में रख दो, वो आप पी लो, तो वो अलग ही टेस्ट होगा। पीऊँ डैड को एक स्पून पिला के लाओ, वही वाला लेके जाओ, थोड़ा सा पिलाओ, पिएगा नहीं वैसे, क्योंकि बुखार है उसको। नवीन सो रहे हैं, आप देख सकते हो। नवीन सो रहे, नवीन नवीन चाय पर जो चाय बनाई हो ठंडा हो जाएगा ना। तो कुछ इस तरह से नवीन की तबीयत जा रही है। बुखार बुखार हमारे घर में कुछ ऐसे ही चल रहा है, कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार। नवीन वैसे कभी होते नहीं है, लेकिन ये भी पड़े। एक्चुअली इनको भी 2-3 दिनों से था, लेकिन अपने आप को खींच रहे थे, ज़्यादा खींचे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। छुट्टियाँ ले लिए होते तो नहीं होता। सो फाइनली हम लोग आ गए इंजेक्शन लगवा के, और नवीन का मेडिसिन लेके आने के बाद से मैंने क्या रखा है, चावल एंड ये दाल तड़का बना रही हूँ नवीन और पीयू के लिए। मेरा तो फास्ट ही, तो मेरा और नवीन के लिए। और नवीन थोड़ी सी क्या ठीक हुई, गई बाहर नारियल पानी लिया। नवीन को नारियल पानी पीने को देखे थोड़ी सी एनर्जी आई। बट शाम को इतनी ट्रैफिक होती है ना हर जगह पे, नासिक जबकि छोटी जगह, फिर भी आप इतनी ट्रैफिक है। कितना टाइम लगा हमें, आई थिंक 7:40 हो गए, 5:30 का निकले थे, 7:40 हो गए। कुछ काम से इंजेक्शन लगवाने में इतना टाइम लगा। और कल फिर से नवीन को लेके जाऊंगी मैं दवा के लिए, मेडिसिन के लिए, क्योंकि आज नहीं जा पाए क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी। तो नवीन ने बोले नहीं, 4-व्हीलर इधर लगाना सही है, फिर चलो। तो फिर मैं नहीं रुकी, फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। और आई थिंक नवीन कुछ तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनको देखो, ये तो टेढ़े करती रहती हैं हमारी बच्चे बच्चों। सो ये देखो चालू है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे नहीं मारा अभी, आप खाओ थोड़ा रखो, मास्टर से चल रहा है। एक भी रखा हुआ है वो खा लेता हूँ, बेटी को हुआ था तो ठीक बात। हाँ 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 ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, किक्कू मेरा किक्कू, ये मेरे धान, ये मेरे मम्मा, ये देखो चलता रहता है। ये हमारा थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर देता है। एक काम करता हूँ, मम्मा का स्वेटर मुझे देता हूँ, छोटा हूँ दाद भी नहीं पड़ेगा। मुझे रे जुगु क्या है मम्मा, भागो रे मम्मा, भूख लगा है। हाँ सर्दी ने पूरा जाम कर दिया, मेरे बाल ज्यादा फंस जाते हैं, तो मैंने दो चोटी बना ली। मैंने खाना बनाने में बस ऐसे बैठे बैठे दो चोटी बना ली, सुबह में ज्यादा उलझे नहीं रहते। तो ये है, और नवीन की बीमार तो है बट कॉल चल रही है ऑफिस की। और हमने सारा काम कर लिया है अभी। आजकल बहुत बोरिंग ब्लॉग जाता होगा आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा पहले थोड़ा बहुत सही भी जाता था, सॉरी, बट अभी बिल्कुल बोरिंग जाता होगा आप लोगों को ब्लॉगिंग, क्योंकि कुछ खास बिल्कुल भी। नहीं नहीं उसको अभी दे रहा हूँ, मेरी बात हो गई है, दे ही रहा हूँ उसको, उसको बोला हूँ। इसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि काटता रहता है सबको। बाकी सब पांच इसी बोलते हैं सर पे बैठना, सर पे बिठा, सर पे बिठा, ऐसा कह रहा हूँ। मम्मा के बाल नोचो कि नहीं नोचो, उससे मेरे को हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सी होता है। मम्मा
मम्मा जैसा है तू अच्छा लग रहा है ना। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग करने के लिए मैंने किया, मैंने किसको अपने सर पे चढ़ा लिया, ये रहा मेरा कंटेंट। तो मैंने इस लड्डू गोपाल बढ़िया। सभी लोग टाइम से पहले ही सो गए क्योंकि इनकी आपको तबीयत पता है, तबीयत खराब है, ठंड नहीं है, फिर भी इन्होंने जैकेट और ब्लैंकेट डाल रखा है। और इधर पीयू भी सो रही हैं। अपनी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ बिकॉज सब भी सो रहा है, फिर मैं ब्लॉगिंग क्या करूँ और डिस्टर्ब भी सबको होगा, सो मैं ब्लॉगिंग अपनी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी ब्लॉग आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नहीं भी आती फिर भी सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।